काका साहब, साई ने आपको बुलाया, अभी तुरंत आने को कहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये क्या कह रहा है तू काका? शुद्धिकरण हो चुका है, मुहूर्त शुरू हो गया है। अगर तुम अभी के अभी यहां से गए, मुहूर्त तो बीत जाएगा। माफ कीजिएगा फूफा जी, अगर साई ने बुलाया है तो जरूरी काम ही होगा। तेरे लिए तेरे बेटे के उपनयन संस्कार से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है? मेरे लिए साई की आज्ञा पालन से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। मुझे जाना ही होगा। देखा आपने, वो फकीर ऐसे ही लोगों को अपने मुट्ठी में कर लेता है। उसके उपरांत धर्म शास्त्र उसका आदर तो दूर, पर उसके बहकावे में आए व्यक्ति अपने घर वालों को भी भूल जाते हैं। अब दीक्षित जी के लिए वो फकीर अपने बेटे से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आप मुझे उस फकीर के पास ले चलिए, आज तो आमना सामना होकर ही रहेगा। साई, आपने बुलाया साई? हाँ काका। ये बेचारी बकरी असहनीय पीड़ा में है, इसके लिए ना तो कोई दवा है ना ही कोई इलाज, बस मृत्यु ही आखिरी विकल्प है। मैं चाहता हूं कि तुम इसको इसकी पीड़ा से मुक्त कर दो। क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन कर सकोगे काका? व्यर्थ ही बुलाया तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो। मुझे याद है, उस रात तुम धर्मशाला में सिर्फ इसलिए अंदर नहीं सोए क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी गलती से चींटियों की जान जा सकती है। जो इंसान दूसरों की मृत्यु की कल्पना से सिहर उठता हो, उससे मैं ये उम्मीद कैसे करूं? कि वो इस बकरी की जान ले लेगा और इसको इसके दर्द भरे जीवन से मुक्त कर देगा। साई, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, अगर आप मुझसे यही चाहते हैं तो मैं ये जरूर करूंगा। ये मत भूल कि तू कौन से कुल से है और तेरे पूर्वज कौन थे, और तू ये पाप करने की सोच भी कैसे सकता है, और वो भी इस फकीर के कहने पर।
तू तो कहता था ये तेरा उद्धार करेगा। ये कैसा उद्धार है? अब तो होश में आ काका। काका, आज तेरे बेटे का उपनयन संस्कार है और आज ही के दिन अगर तू ये घोर पाप करेगा तो इसकी सजा सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे आने वाली 7 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। तेरे बच्चे ही नहीं उनके बच्चों को भी कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐसा मत कर काका, अधर्मी मत बन। मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है और कर्तव्य भी। देख लिया ना आपने, इस फकीर ने अवश्य कुछ खिला दिया है दीक्षित जी को, वरना ऐसे कैसा हो सकता है? इतना सज्जन पुरुष ऐसा पाप करने पे उतर आए? ए फकीर, तुझे शर्म नहीं आती किसी का धर्म भ्रष्ट करते हुए? किसी निर्दोष इंसान से जीव हत्या कराते हुए? काका, भले ही तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो लेकिन हमारी नहीं हुई है। हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। कान खोल के सुन ले काका, अगर तू इस फकीर की बात मानकर जीव हत्या करता है तो मैं और शारदा तुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेंगे। मर जाएगा तू हमारे लिए। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर मैंने अपने गुरु की अवज्ञा की तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए मेरे साई ही मेरे गुरु है और गुरु भक्ति ही मेरा धर्म। जिस तरह हनुमान जी और विभीषण ने राम जी पर, पांडवों ने श्री कृष्ण पर कभी संदेह नहीं किया, उसी तरह मैं अपने साई पर कभी संदेह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है कि अगर मेरे साई ने मुझे कुछ करने के लिए कहा है तो उसमें मेरा भला ही होगा, मेरा हित उनकी आज्ञा का पालन करने में ही है। तेरा हित नहीं, तेरा विनाश है मूर्ख। मुझे यकीन है कि मेरे साई मुझे हर विनाश से बचा लेंगे। मैं ये पाप होते नहीं देख सकता। तू रह यहां इस अधर्मी के साथ, लेकिन एक बात सुन ले, तू अपने बेटे के उपनयन संस्कार समारोह में आने की गुत्ता की मत करना। जाओ शांता। मैं तैयार हूं सही।
जाओ काका, अब तुम्हें इस बकरी के प्राण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साईं, मैं समझ गया आपकी लीला। आप ये सब काका साहब की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कर रहे थे ना? किसी की परीक्षा लेने वाला मैं कौन होता हूं मालसापति जी? ये हक तो सिर्फ राम जी को है। इस बकरी के साथ क्या होना है ये राम जी पहले ही तय कर चुके हैं। काका, मेरी मंशा ये नहीं थी कि तुम बकरी की हत्या करो। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि तुम किसी की ईर्ष्या का संहार करो। मुझे माफ कीजिए सर, मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे ये सब समझाने के लिए किया है। जलन में इतना अंधा हो गया था कि आपके मंशा पर संदेह किया। केशव, मैंने पहले भी कई बार कहा है, जलन वो रोग है जो हमसे सही सोचने की शक्ति छीन लेता है, हमारी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। ईर्ष्या की ये भावना एक समय के बाद इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि तुम जैसा सुलझा हुआ इंसान भी इस भावना के परे नहीं देख पाता। तुम ये समझने में असमर्थ रहे कि घटने वाली घटना के पीछे क्या रहस्य है, मालिक की क्या रचना है। अगर समझ पाते तो काका साहब जैसे भले इंसान की निस्वार्थ भावना पर कभी सवाल नहीं उठाते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मुझे याद आ रहा है, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, मैं आपके लिए कुछ करना चाह रहा था, लेकिन जब आपने वो मौका काका साहब को दिया तो उसी वक्त मेरा मन ईर्ष्या से भर गया। मैं वो देख ही नहीं पा रहा था, मैं वो समझ ही नहीं पा रहा था जो बाकी लोग देख और समझ रहे थे। ईर्ष्या की भावना ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, मेरी सोचने समझने की शक्ति छीन ली, तभी तो मैंने आपके इरादों और कार्यों पर संदेह किया। और दूसरी तरफ काका साहब ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो जो करने जा रहे हैं उसके लिए उन्हें क्या परिणाम भुगतने होंगे। उनके घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन दीक्षित जी ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आप पर विश्वास रखा। मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, फिर भी आपको समझ नहीं पाया, और ये अभी अभी आए फिर भी समझ गए। सब मेरी ईर्ष्या के कारण ही हुआ है साईं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं अब से कभी इस भावना को मैं मेरे मन में नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो,
चंपा, तुम भी नाराज हो ना मुझसे कि मैं इतने दिनों से पायजा माँ के हाथ का बना खाना इस बकरी को क्यों खिला रहा हूं? जानती हो चंपा, जब पायजा माँ मेरे लिए खाना बनाती है तो उसमें मां की ममता होती है। इसलिए मैं चाहता था कि इस बकरी को भोजन के माध्यम से कम कुछ दिनों के लिए तो मां का प्यार मिले। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पायजा मां, आप खाना लेकर आई हैं ना? अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपकी ममता से भरा ये खाना क्या मैं इस बेजुबान को खिला सकता हूं? शायद ये इसके जीवन का आखिरी आहार होगा। कहे सुनते हो जो हर अभिलाषा जीवन की, जान लो तुम ही मेरे साईं, ये पीड़ा मेरे मन की। ऋण ये तुमरा कैसे चुकाऊं, दुविधा हल तुम कर दो। तुम्हारे चरण विश्राम मैं पाऊं, बस इतना ही वर दो। अनगिन है उपकार साईवर, कृपा है अपरंपार। अब तुम हर दर्द से मुक्त हो, अब तुम वहां हो जहां कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ शांति, असीम शांति। भीवा, चंदू, इसकी अंत्येष्टि लेंडी मार्ग में जाकर कर दो। काका, अब तुम्हें जाकर अपने बेटे का उपनयन संस्कार करना चाहिए। नहीं सर, मुझे वहां जाने से कोई फायदा नहीं। वो मुझे कोई भी विधि नहीं करने देंगे। काका साहब, आपकी गवाही मैं दूंगा। उनसे कहूंगा कि आपने बकरी को कुछ नहीं किया है, और ये सच है। इसीलिए जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो डर कैसा? चिंता मत करो काका, मेरी वजह से यह समस्या हुई है ना, तो तुम्हारे साथ चलकर मैं सब ठीक करूंगा। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम।
मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। अरे तुम तो बकरी के प्राण लेने पे उतारू हो गए थे, फिर मैं कैसे मान लूं कि तुमने उसकी हत्या नहीं की? महंत जी, मैं आश्वस्त कर रहा हूं, मारना तो दूर, काका साहब ने छुआ तक नहीं बकरी को। जी महंत जी, काका साहब सही कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है, इसने क्या किया, अब ये कोई मायने नहीं रखता। एक बार वो यहां से गया यानी कि अशुद्ध हो गया, ये पूजा में नहीं बैठ सकता। अगर ऐसी बात है महंत जी, तो काके साहब की शुद्धि मैं कर दूंगा, मैं भी पुजारी हूं। लेकिन महंत जी, जब काके साहब ने कुछ गलत किया ही नहीं, तो उन्हें अपने बेटे के उपनयन संस्कार की पूजा में बैठने से क्यों रोका जा रहा है? उपाजी, मुझे अपने बेटे के उपनयन संस्कार की विधि करने दीजिए। रुक जाओ वहीं पर। मैं इस फकीर को यहाँ पूजा स्थान पर बिठाकर पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। और हाँ, तुम आज के बाद मुझे और शारदा को कभी नहीं देख पाओगे। साईं, मेरे परिवार को टूटने से बचा लीजिए।